पंजाब के अलग अलग बॉर्डर से बीएसएफ ने ड्रोन और हथियार बरामद किए हैं। सरहद पर सक्रियता की वजह से एक बार फिर पाकिस्तान की साजिश नाकाम हुई है। दीपावली से ठीक एक दिन पहले बीएसएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। अमृतसर और तरनतारन से सरहदी इलाके से हथियार और नशे का सामान बरामद किया गया। बीएसएफ इंटेलिजेंस विंग से विश्वस्त जानकारी मिलने के बाद फोर्स सक्रिय हुई, जिसके बाद बीएसएफ ने अमृतसर के कक्कर गांव से भी एक पिस्टल बरामद की। बीएसएफ ने अमृतसर और तरनतारन के अलग अलग इलाकों से 5 ड्रोन भी बरामद किए। अमृतसर के बुर्ज से 1 और मुलाकोट गांव से 2 ड्रोन बरामद किए गए। बीएसएफ को तरनतारन के वान इलाके से 2 ड्रोन मिले, उनमें संदिग्ध ड्रग्स भी पाए गए। फोर्स को करीब 561 ग्राम का एक पैकेट मिला, जिसमें हेरोइन का शक है। ये ड्रग पीले रंग के पैकेट में पाए गए। पैकेट में तार और स्टिक भी पाई गई। बीएसएफ और पंजाब पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में हथियार और ड्रोन्स की बरामदगी की गई। बीएसएफ की सक्रियता की वजह से पाकिस्तान से होने वाली साजिश फिर से नाकाम हुई है। पाकिस्तान लंबे अरसे से क्रॉस बॉर्डर नारकोटिक सिंडिकेट चला रहा है और ड्रोन के जरिए ड्रग्स के साथ साथ हथियार भेज रहा है। राजस्थान के जोधपुर में हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी ने एक महिला की हत्या के बाद उसके कई टुकड़े कर दिए। 50 साल की महिला के शव के 6 टुकड़े किए गए। उन टुकड़ों को बोरे में भरा गया और फिर टुकड़ों को 10 फीट गहरे गड्ढे में दफना दिया गया। पुलिस की तफ्तीश में पता चला कि गड्ढा करने के लिए बकायदा जेसीबी का इस्तेमाल हुआ। 27 अक्टूबर को जोधपुर के सरदारपुर में गुमशुदगी की रिपोर्ट के बाद पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपी तक पहुंची। प्रथम दृष्टया तो कोई शक नहीं हुआ कि वही वो आदमी गायब था, इस वजह से उस पे शक हुआ। और फिर हमने घर वालों से सख्ती से पूछताछ की तो हमें इस बात का पता चला। लगभग जैसी मंगवा के खड्डा किया गया था, 3-4 दिन पहले ही खड्डा कर दिया था। उससे लगता है कि पहले ही बॉडी को दबा दिया गया। मृतक अनीता चौधरी ब्यूटिशियन के साथ साथ प्रॉपर्टी डीलर का भी काम करती थी। 2:15 बजे के लगभग तो दुकान पहुंची थी, 10 मिनट दुकान जाकर वापस नीचे आ गई। उस दरमियान किसने बुलाया, क्या फोन किया, मैं नॉलेज में नहीं था कुछ भी। हत्या का आरोपी गुलामुद्दीन और अनीता का परिवार एक दूसरे को पिछले 25 साल से जानता था। उत्तर प्रदेश के बदायूं में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। दिवाली के त्योहार के लिए अपने घर जा रहे मजदूरों की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। बदायूं के मुजरिया गांव के पास ऑटो और मार्क्स में जोरदार भिड़ंत हुई और मौत ने दस्तक दे दी। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सड़क हादसे का शिकार हुए लोगों में 2 महिलाएं शामिल हैं। बताया जा रहा है कि मार्क्स गलत दिशा से आ रहा था और ऑटो से टकरा गया। हादसा स्टेट हाईवे पर हुआ। घटना के बाद जिलाधिकारी मौके पर पहुंचे। इस हादसे में पाना देवी, सुषमा, कन्हई, अतुल, शीनू और कार्तिक की मौत हो गई, जबकि 5 लोग जख्मी हुए हैं। टेम्पो और पिकअप में आपस में एक्सीडेंट होने पर यहां पर सीएससी में 5 लोग लाए गए हैं, जिनकी 5 की डेथ हो गई है, बाकी उपचाररत हैं। मौके पर पुलिस फोर्स है और सब डॉक्टर लोग आ गए हैं। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। 5 लोग की डेथ, जिसमें अभी 1 लोगों की शिनाख्त हो गई है, जो ककरी बरेली क्षेत्र का रहने वाला है और उसके जीजा ने उसकी शिनाख्त की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या में दीपावली मनाई। उन्होंने कहा कि 500 साल के बाद इस बार अयोध्या में दीपावली खास है। तस्वीरें रामनगरी अयोध्या की है। सीएम योगी ने दीपावली के मौके पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन किए और भगवान राम की विधि विधान से पूजा की। सीएम योगी हनुमानगढ़ी भी गए और हनुमान जी के सामने नतमस्तक हुए। सीएम योगी ने कहा कि इस बार की दीपावली विशेष है, क्योंकि 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद प्रभु श्री राम अपने धाम में विराजमान हुए हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने एससी समुदाय के साथ दीपावली भी मनाई। उन्होंने अयोध्या के दलित बस्ती में महिला और बच्चों को मिठाई के साथ फल वितरित किए। वहीं कल अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार भगवान राम के आने पर दीपोत्सव मनाया गया। सरयू के घाटों पर 25,12,585 दीपक जलाए गए। वहीं 1,181 लोगों ने एक साथ सरयू नदी पर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया। इस बार की दीपावली तो विशेष है। 500 वर्षों के एक लंबे अंतराल के बाद प्रभु श्री राम अपने स्वयं के धाम में विराजमान हुए हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में दीपावली की रौनक दिखी। यहां नर्मदा के घाट के किनारे 51,000 दीप जलाए गए और जमकर आतिशबाजी हुई। नर्मदा नदी के घाट पर पहले पूजा की गई,
जिसमें आम लोगों के साथ साथ साधु संत भी मौजूद रहे। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु जुटे और उसके बाद जो नजारा उभरा उसे देखने वाले देखते रह गए। नर्मदा नदी के बीचों बीच नाव से आतिशबाजी शुरू हुई। आसमान रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा। नदी के किनारे से लेजर लाइट की छटा बिखर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो मां नर्मदा का अलौकिक श्रृंगार हो गया हो। जबलपुर में एक दिन पहले दीपावली मनाई गई, जहां गौर घाट के किनारे 51,000 दीप जलाए गए। जबलपुर में अयोध्या की तर्ज पर दिवाली मनाई गई। गौरी घाट पर करीब 15 मिनट तक आतिशबाजी होती रही। मां की प्रेरणा से, संत जनों के आशीर्वाद से जब 3 वर्ष पूर्व इसको प्रारंभ किया था, तब संत जनों ने निर्देश दिया था कि यह आयोजन प्रतिवर्ष किया जाना चाहिए, और तब से लेकर लगातार ये 3रा वर्ष है। माँ के पावन तट पर हजारों दीपक के साथ माँ का श्रृंगार हो रहा है,